पहला कदम कौन रखेगा? घर में नया कौन है? नया तो नहीं हूँ, मतलब वेलकम दामाद, एंड थैंक यू इतना बड़ा कदम उठाने के लिए। जो सदियों से होता आया है वही होता रहता है, ऐसा क्यों? तभी तो हम पूछते हैं सवाल बैंकिंग की हर प्रथा से, ताकि आपको मिले बेस्ट सर्विस। एयू बैंक, बदलाव हमसे। आमिर, रिसेंटली इरफान मेड अ स्टेटमेंट सेइंग वी पीपल शुड इंट्रोस्पेक्ट इंस्टेड ऑफ ड्यूरिंग रमजान फास्टिंग। ही आल्सो सेड सॉरी पीपल शुड इंट्रोस्पेक्ट इंस्टेड ऑफ फास्टिंग ड्यूरिंग रमजान। ही आल्सो मेड अ स्टेटमेंट सेइंग के एनिमल्स आर बीइंग स्लॉटर्ड ऑन द नेम of Qurbani basically, and he said we Muslims have made a mockery of Muharram. So what is your take on that? You know, I feel religion is a very personal issue here. Each one has their own feelings about it, each one has their own thoughts about it. I have my own. So I don't want to comment about other people's feelings and what they think about. I go with my own heart. Namaste. मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आमिर खान ने फिर से फटे में पांव दे दिया। मतलब कुछ लोगों का तो कहते हैं ना कि साहब की उनकी तो पनौती, उनकी जो तशरीफ़ है वही पनौती होती, तो जब देखो तब वो अपने सर के ऊपर बोझा ले लेते हैं और जिसको कहते हैं कि बस सर मुड़ाते ही ओले पड़ जाते हैं उनके ऊपर। अब आमिर खान ने क्या किया, अब लेटेस्ट देखिए क्या किया उन्होंने। और कुछ नहीं हुआ है उनको, अभी भी पता चला साहब उनकी लाल सिंह चड्ढा जो है वो बुरी तरह से फ्लॉप हुई। जब लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने के पूरे चांसेस हो गए थे, तब लाल सिंह चड्ढा के सफलता के लिए वो न केवल इधर उधर पूजा अर्चना करते घूम रहे थे, अपने आप को हिंदू दिखाने का प्रयास कर रहे थे, सबसे माफ़ी भी मांग रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन आप देखिए कि फिर से एक ऐड में आ गए, और वो भी ऐसा ऐड जो सीधे सीधे इस देश की परंपराओं का मजाक उड़ा रहा है। वो इसमें भी प्रोग्रेसिव बनने का प्रयास कर रहे हैं, और ये जो प्रोग्रेसिविज्म है इसने कितने सारे अच्छे अच्छे बिजनेसमैन की ऐसी तैसी करा दी। अरे भाई, तुम एक बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन इस सेंस में हो कि तुम प्रोड्यूसर भी हो, तुम डायरेक्टर भी हो और तुम एक्टर भी हो। बूढ़े हो गए हो तुम 57 साल के, तो क्या हुआ, लेकिन हो तो तुम आज भी एक्टर। तो तुम जो है कम से कम अपने बिजनेस इंटरेस्ट का तो ध्यान रखो। अब तुम क्या आवश्यकता थी कि तुम एयू बैंक के इस तरह के एक ऐड में आप वहाँ पर उपस्थित हो गए, जो यह दिखा रहा है कि जो हमारी विवाह परंपरा है वो तो है गलत, और नई विवाह परंपरा वो सेट कर रहे हैं जिसमें ये दिखा रहे हैं कि लड़की जो है वो लड़के को विदा करा के अपने घर पर ला रही है। कोई बात नहीं, यदि कोई इस प्रकार का करता है तो उसकी अपनी दिली इच्छा है। हमारे यहाँ तो आपको पता है कि बहुत ही खुलापन होता है सनातन धर्म में, लेकिन उसको इस प्रकार से बताना और जो परंपराएँ हैं उनको गलत बताना, ये तो आमिर खान तुमने फिर से उड़ता तीर हाथ में ले लिया। और आमिर खान की उड़ता तीर में लेने की आदत जो है ये कब से हुई है ये मुझे पता नहीं। देखिए, जब उन्होंने आरंभ किया था, सबसे पहले जो उनकी हिट आई थी कयामत से कयामत तक, आपको याद है, तब तो लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया था, बड़े फ्रेश लुक्स थे उनके। और उनके पिता जो नासिर हुसैन, ताहिर हुसैन थे, वो आपके नासिर हुसैन जो दूसरे डायरेक्टर थे उनके भाई थे, तो उसके कारण भी उनको जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो एक तरह के आनुवंशिक हैं, यानी कि डायनास्ट हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में। तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के डायनास्ट होने के साथ साथ उनका एक दूसरा भी एक बड़ा भारी, एक जिसको कहें कि एक बड़ी भारी क्वालिफिकेशन है। वो बड़ी भारी क्वालिफिकेशन क्या है कि साहब वो बड़े अशराफ हैं, यानी इतने बड़े अशराफ हैं कि वो जो हैं अपने ग्रैंड मदर की ओर से अबुल कलाम आज़ाद साहब से संबंधित हैं, उनसे उनका संबंध है, उनसे रिलेटेड हैं। अब अबुल कलाम आज़ाद कौन से थे, आपको पता है कि भाई अबुल कलाम आज़ाद तो बड़े अशराफ थे, वो जो थे वो ना खालिस उर्दू के अलावा और कुछ बोलते नहीं थे,
हिंदी इत्यादि तो उनके लिए एक बहुत ही समझ लिए कि एक गंवार जैसी भाषा थी। वो तो मक्का वाली उर्दू बोलते थे, मक्का में पैदा हुए थे, नाम था उनका फिरोज़ बख्त। बाद में साहब उनको इतना शौक चढ़ाया कि उन्होंने अपना नाम बदल के कर लिया अबुल कलाम आज़ाद। और वो अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो न केवल एक नंबर के अशराफ थे, वो एक नंबर के मज़हबी थे। एक नंबर के मज़हबी होने के साथ साथ वो पूरी तरह से इस भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने के पक्षधर थे। उनके लिए राष्ट्र से उम्मत बड़ी थी। ये सारी की सारी चीज़ें मैं कोई अपनी कल्पना से नहीं कह रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें लिखित में उपलब्ध हैं। उनके जो तज़कीरात हैं, अबुल कलाम आज़ाद के तज़कीरात, यानी कि उनकी कही हुई बातें, उनमें सब में ये स्पष्ट लिखा हुआ है। और बाद में चूँकि वो खिलाफत आंदोलन में प्रमुख रोल उन्होंने अदा किया, गांधी जी को बेवकूफ़ बनाने में उनका अहम किरदार था। गांधी जी को बेवकूफ़ बनाने के कारण जो है वो उनके प्रिय हुए, उनके प्रिय हुए तो फिर हमारे जो नेहरू जी थे उनके नेहरू जी के भी प्रिय होना उनको आवश्यक हो गया। और उसके बाद फिर अब आप देखिए कि अब तो उनके जो संतानें हैं, उनके जो वंशज हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में भी एक्टिव हैं। यानी कि नजमा हेपतुल्ला जो उनकी जिसको कहते हैं बेटी की भांजी, ग्रैंड नीस, वो देखिएगा आप अब भारतीय जनता पार्टी में है। तो ये बड़े अशराफ हैं। बड़े अशराफ होने के साथ साथ आपने इनकी फ़ोटो भी देखी होगी, इन्होंने बहुत ही मान मर्यादा से कहें या इसको कहें कि अहंकार पूर्वक इन्होंने अपनी जो फोटोग्राफ थे हज और उमरा करते हुए, और तारिक जमील के साथ में तो बहुत ही प्रसिद्ध है इनकी फ़ोटो। अब तारिक जमील को आप जानते हैं, तारिक जमील कौन है? तारिक जमील वो है 132 फीट की हूरों वाले, जो 132 फीट की हूरों का जो डिस्क्रिप्शन देते हैं चारों तरफ, जिसके लिए वो प्रसिद्ध है पूरे विश्व में और विशेषकर बर्रे सगीर यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में। तो ऐसी संतति है आमिर खान। ये कहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि लगभग आप समझिए कि 2006 तक तो इन्होंने अपनी बड़ी एक निष्पक्ष सी छवि बना रखी थी, एक थिंकिंग डायरेक्टर की छवि बना रखी थी। लगान के बाद इनकी भी कीर्ति में अत्यंत वृद्धि हुई और उसके बाद फिर लगातार इनकी काफ़ी सारी फिल्में जो थीं वो हिट हुईं। यानी आप देखिए धूम 3, पीके, लगान और उसके पहले गाजिनी, ये सारी लगातार ये फिल्में हिट हुई। इनके बारे में कहा जाता था कि साहब ये 2 साल में एक फिल्म करते हैं, लेकिन जो फिल्म करते हैं ये मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, जो फिल्म करते हैं वो ऐसी ज़बरदस्त होती है कि जिसका कोई सानी नहीं होता। लेकिन उसके बाद फिर इनकी जो हरकतें हैं वो समझ में आने लगी। ये पता चलने लगा कि जब ये आगे आए थे तब भी इनको सपोर्ट जो था वो दाऊद माफिया से मिला था, और दुबई माफिया के कारण ही इनके लिए ये एक तरह से रास्ता खुल गया, क्योंकि इस माफिया ने जो भी फिल्में फाइनेंस करता था उस फाइनेंस करने में, उस फिल्मों में एक ये शर्त होती थी कि इसका जो हीरो होगा वो मुसलमान ही होगा और जो हीरोइन होगी वो हिंदू ही होगी। और इसी में कई सारे आप देखे होंगे कि हमने भी एक्सपोज किया, जेम्स ऑफ बॉलीवुड भी लगातार करता रहता है कि इनमें आपने कई सारे इस तरह के लव जिहाद वाले, सटल लव जिहाद वाले केसेस भी इसमें कई सारे देखे होंगे। अब इनका हो गया दिमाग ख़राब। जब पीके इन्होंने बनाई तो पीके में ये अब सामने आ गया है कि इन्होंने जब पाकिस्तान में उसका जो प्रचार किया तो उसमें साफ लिखा कि किस तरह से काफिरों की जो धर्म है, जो काफिरों का मज़हब है, उसका हमने मजाक उड़ाया है। ये वहाँ के जो इन्होंने पोस्टर छपवाए या जो भी प्रचार वगैरह करवाया उसमें ये साफ बताया गया था। तो अब लोगों को ये समझ में आने लगा, लोगों ने इनसे ये पूछना आरंभ किया और उसके बाद जो उसका पूरा प्रतिफल इनको मिला लाल सिंह चड्ढा में मिला। लाल सिंह से चड्ढा से पहले इनकी मूवी आई थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। तो ये दो जो हैं ये रिकॉर्ड फ्लॉप्स हैं भारतीय सिनेमा की। लेकिन इसके बाद भी इनकी बुद्धि नहीं आई, अरे भाई आमिर खान तुमको मैं सलाह दे रहा हूँ, इतने सारे इश्यूज़ हैं इस्लाम में जिसके लिए तुम कर सकते हो कि साहब इसमें सुधार होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए। सबसे पहले तो तुम उनसे ये कह सकते हो कि भाई दुनिया को दारुल हरब दारुल इस्लाम में बांटना बंद करो, जो
आपका इस्लाम नहीं मानते उनको काफिर कहना बंद करो, जो इस्लाम नहीं मानते उनको वाजिबुल कत्ल कहना बंद करो, ये सर तन से जुदा की जो आवाज़ें निकल रही हैं उसके विरोध में कुछ बोलो, और आपके यहाँ ट्रिपल तलाक की जो प्रथा सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दी है वो फिर भी लोग अभी भी अपना रहे हैं, उसके विरुद्ध एक आप कोई कार्यक्रम चलाओ, और जो हलाला करते हैं, हलाला सोचिए आप, किसी को कह दें हलाला की औलाद तो बुरा मान जाता है, लेकिन क्यों बुरा मान जाता है भाई, ये तो लिखा हुआ है शरीयत में, लिखा हुआ है शरीयत में सैंक्शन है, इस तरह की जो कुप्रथाएँ हैं इसके विरोध में कुछ बोलो, जो महिलाओं की जो स्थिति है इस्लाम में, जो उनको बराबरी के अधिकार नहीं दिए जाते इसके विरुद्ध कुछ बोलो, आपके यहाँ अडॉप्शन का अधिकार नहीं है इसके विरुद्ध कुछ बोलो, इतनी सारी चीज़ें हैं जिनके विरुद्ध में कुछ तुम बोल सकते हो, और तुम्हें और कुछ नहीं मिला, ये एक सीधी सादी जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, और आजकल तो आप देखिए कि लड़के लड़कियाँ आपस में ही तय करते हैं और उसके बाद फिर ये केवल एक परंपरा होकर रह जाती है, और रहते तो जाके अलग से ही हैं, लेकिन नहीं तुमको इसका भी मजाक उड़ाने की आवश्यकता थी, अरे भाई तुमको पैसे दे देंगे तो कुछ भी करोगे क्या, मैं देता हूँ तुमको पैसे उसके बाद फिर कहता हूँ कुछ ऐसा काम करो जिसके ऊपर फतवा आया हुआ है, करोगे नहीं करोगे तुम, तो जो चीज़ हमें बुरी लगती है वो क्यों करते हो, आमिर खान सावधान, अब तुम्हारे दिन चुक चुके हैं, अब हम किसी भी तरह से कोई भी तुमको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देने वाले और किसी भी तरह से तुमको क्षमा नहीं करने वाले, आमिर खान तुम्हारे दिन लद गए, लद गए, लद गए।